मालवणी में 300 लीटर दारू भेजना है, कोराई में 150 लीटर और कोलीवाड़ा में 100 लीटर का ऑर्डर है। भाव कल तक अपन इतना माल बनाएंगे कैसे? अरे बनाने का क्या है, स्पिरिट मिलाने का। उसमें पीने वालों को क्या पता चलता है दारू है क्या केमिकल, बस चढ़ना मांगता है। चल खिला दे। क्या बात है भाव, संजो काम हो गया। ओ गॉड, ये तो नकली शराब बना रहे, ये तो बहुत डेंजरस है, इसे लोग मार सकते हैं। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। किसको फोन लगा रही थी? पुलिस को? हाँ, पुलिस को। तुम लोग जो ये कर रहे हो वो गलत है, लोगों की जान जा सकती है। मैं तो पुलिस को बताकर रहूंगी। कंप्लेन करेगी? देखो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी। आप कह रहे हो तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप ये सब बंद करो। पकड़ो इसे। लड़की चल हमारे साथ। ए, आगे मत बढ़ो। तो तू ऐसे नहीं मानेगी ताई। तेरे जैसे हलकट से मैं डरती नहीं हूँ। ए, सुन, ये ऐसे खिलौने हमको मत दिखाना। बहुत चीजें देखी है ऐसी, और तेरे लिए तो ये झाड़ू की भी जरूरत नहीं है, मेरे दो हाथ ही काफी है। आजा। पकड़ो सबको। इंस्पेक्टर, मैंने इन्हें देखा है, ये किनारे के पास भट्टी में नकली शराब बना रहे थे। मैंने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो मेरे पीछे पड़ गए, मुझे मारना चाहते थे। प्लीज इन्हें पकड़ लीजिए। आपने बहुत बहादुरी का काम किया। इन लोगों को हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। वैसे भी हम लोग गैर कानूनी तरीके से शराब बनाने वालों की धरपकड़ कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से मुंबई के मालवनी इलाके में 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं। आपकी मदद के लिए थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मुझे नहीं, इन लोगों से कहिए। आज ये सब नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप यहाँ की नहीं लग रही हैं? जी नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ मुंबई अपने पति के साथ आई हूँ हनीमून पर। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके फोन से एक फोन कर सकती हूँ अपने हस्बैंड को? हाँ हाँ श्योर। थैंक यू सो मच। हेलो विहान, विहान मैं बोल रही हूँ। ओ गॉड आरुषि, कहाँ हो यार तुम? कब से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पता है मैं कितना परेशान हो गया हूँ। विहान मैं ठीक हूँ। यहाँ अपने बंगलों से थोड़ा आगे एक बस्ती है, हाँ किनारे के पास, मैं वहीं पर हूँ, वहाँ आ जा। ओके ओके।